आरकेपी ग्रुप टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारे पास में ये फ़ोन है एक लाइफ का, जो कि डेड है, ना ही ऑन हो रहा है, ना ही इसमें चार्जिंग जा रही है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि डेड सेट यदि आपके पास में कोई आता है तो उसे कैसे ऑन करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा पूरी प्रैक्टिकली द्वारा। यदि दोस्तों आप ये चाहते हैं मेरा वीडियो सीधे आपके पास पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में कोई डेड सेट आता है तो आपको सबसे पहले उसमें बैक कवर खोलना है। आपको देख लेना है कैसे खोलना है, सावधानी से, कोई भी मॉडल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम इसका बैक कवर जो हम निकालते हैं इसका। देखिए दोस्तों, बैक कवर निकाल दिया, इसे मैं हटा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका है, यदि डेड सेट है तो आपको बैटरी देखनी है कि कितनी चार्ज है हमारी और क्या कंडीशन है बैटरी की। हमारा सेट कहीं फुल शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहले आपको बैटरी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, बैटरी निकाल दी है मैंने, और आपको मल्टीमीटर को जो है डायोड बीप की रेंज पे लगाना है। देखिए दोस्तों, हमारी डायोड बीप की रेंज है, मैं मल्टीमीटर को बीप पे लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, बीप पे लगा दिया है मैंने मल्टीमीटर जो है। अब आपको बैटरी कनेक्टर पर देखना है, दोनों तरफ से बीप आती है, रीडिंग आती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरफ से कुछ भी रीडिंग नहीं आई हमारी। इस तरफ से हमारी जो रीडिंग आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे फ़ोन के अंदर जो शॉर्टिंग नहीं है। अब हम मल्टीमीटर से बैटरी को चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे पास में ये बैटरी है, इसे हम चेक करते हैं। और बैटरी कनेक्टर में यहाँ पर जो प्लस का निशान है और इस पर नेगेटिव जो है, आपको प्लस पर प्लस लगाना है, नेगेटिव पर नेगेटिव, और मल्टीमीटर को DC वोल्टेज पर 20 वोल्टेज पर सेट करना है आपको। देखिए मल्टीमीटर मैंने 20 वोल्टेज पर सेट कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें नेगेटिव पे नेगेटिव लगाना है आपको, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, हमारी बैटरी जो है 2.61 चार्ज है। अब आपको जो है बैटरी जो हमारी 3.7 वोल्टेज तक जो चार्ज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में जो बैटरी कम चार्ज है, हमारा फ़ोन जो ऑन नहीं होगा। अब हम इसमें जो चार्जिंग लगा के देख लेते हैं कि हमारा फ़ोन जो है बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। देखिए हम इसमें सबसे पहले चार्जर लगाते हैं। अब हमें बैटरी कनेक्टर पर मल्टीमीटर को 20 की DC वोल्टेज पर रेंज पर रखना है, और आपको एक पिन जो ग्राउंड करनी है कहीं भी, और आपको एक बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर लगाना है। देखिए दोस्तों, हमारे बैटरी कनेक्टर पर जो वोल्टेज जो हमारे पूरे आ रहे हैं 4 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, इस तरह से हमारी बैटरी जो है चार्ज हो जाएगी। और आपको अब बैटरी को बूस्ट करना है, मैं आपको बताता हूँ बैटरी जो है कैसे बूस्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये जो है बैटरी बूस्टर है, इससे हमारी बैटरी बूस्ट हो रही है। हम इसे ऑन कर देते हैं यहाँ से। हमारा ये जितना भी वोल्टेज रखना है, हम इसको 9 वोल्टेज पर रख देते हैं। हमने 9 वोल्टेज पर रख दिया है ये। और आपको जो है बैटरी बूस्टर के 2 पॉइंट जो हैं, प्लस वाला प्लस पर लगाना है और नेगेटिव वाला नेगेटिव पर, हमारी बैटरी जो चार्ज हो जाएगी। दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बैटरी बूस्ट करने में, बैटरी चार्ज करने में। इसको झटका मशीन भी बोलते हैं, जो ये बूस्टर है बैटरी बूस्ट करने के लिए। आपको थोड़ी देर ये लगाए रखनी है और आपकी बैटरी जो है बूस्ट हो जाएगी। आपको 3.7 तक करनी है, यदि उससे कम होगी तो ना ही ये चार्जिंग दिखाएगा, ना ही हमारा फ़ोन जो है ऑन होगा। बैटरी बूस्ट करने के बाद में यदि ऑन नहीं होता तो फिर हम देखते हैं इसमें और क्या कमी हो सकती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम हमारी बैटरी जो कितनी चार्ज हुई है। देखिए अभी हमारी बैटरी जो है 3.1 हुई है, हमें चाहिए 3.7 तक, अभी और करना है इसे।
देखिए दोस्तों, आपको जो बैटरी अपनी 3.7 तक चार्ज करनी है। यदि बैटरी की दिक्कत होगी तो आपका फ़ोन जो ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले शो हो जाएगी। देखिए हम देखते हैं हमारी बैटरी जो कितनी चार्ज हुई है, हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं अपने मल्टीमीटर से। देखिए दोस्तों, हमारी बैटरी जो 3.7 चार्ज हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम मोबाइल के अंदर लगाते हैं और देखते हैं। तो हमारी बैटरी जो 3.7 तक चार्ज हो चुकी है, अब इसमें हम डाटा केबल लगाते हैं अपने फ़ोन के अंदर और आपको जो है बैटरी कनेक्टर पर हमें वोल्टेज मिल रहा है वो मैंने आपको पहले दिखा दिए थे। इसमें बैटरी लगाते हैं और देखते हैं डिस्प्ले पर कुछ आता है या नहीं आता। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, डिस्प्ले पर चार्जिंग आ चुकी है, इसकी एंड्रॉयड लिखा आ चुका है। यदि आपके पास में कोई डेड सेट आता है तो आप इस तरीके से ऑन उसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसे मैं पावर की से ऑन करके देखता हूँ, कहीं इसमें पावर की प्रॉब्लम तो नहीं है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी इसे अभी हम ऑन करते हैं पावर की से। देखिए दोस्तों, हमारा सेट जो है ऑन हो रहा है, इसे ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ऑन हो जाएगा यदि पावर की ठीक है हमारी तो। देखिए दोस्तों, हमारा जो है मोबाइल फोन लोगों पे अच्छा है, लाइफ के पे। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है डेड था। यदि आपकी बैटरी डिप में जाती है तो आप इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर बैटरी कनेक्टर पर शॉर्टिंग चेक करनी है, कहीं फुल शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद में आपको चार्जर लगा के बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करने हैं, हमारे फुल वोल्टेज के आसपास मिलने चाहिए। उसके बाद में आपको बैटरी चेक करनी है, हमारी बैटरी कम से कम 3.7 वोल्टेज तक चार्ज होनी चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी डेड सेट को ओके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।